Yes, good evening students. Today we will continue the square and square roots chapter. And in the earlier class we have done till 9 questions. So some of the students having doubt in the question number 9. So see the question. Find the square root of 1444. आपको उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना हमारे पास दो मेथड्स हैं. देर आर टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड वन इज ट्रिक. आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, करके दिखाना है आपको, तो आप इस वाले मेथड का यूज करिए, ये बेस्ट है. ठीक है, 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 6 12 एंड 2 1 2. अब 361 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 19 19 1 जा, हमारे फैक्टर्स बने 2 into 2 into 19 into 19. स्क्वायर रूट के केस में अगर आपको दो वैल्यूज का एक पेयर बनता है, ठीक है, पेयर बना एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, ऐसे ही दो वैल्यूज का पेयर बना एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 19 2 जा 38 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन. क्लियर है लहर? क्या डाउट है बेटा आपको? लहर चौथी. यस मैम, मेरा कोई डाउट नहीं है. मैंने ये बोलना है कि मैंने सारे स्क्वेयर्स लर्न कर लिए हैं 20 तक. ओके, अभी सुनती हूँ मैं सारे बच्चों से. 20 तक स्क्वेयर दिए थे ना सबको. चलिए, जिसको 8th क्वेश्चन में डाउट है वो भी देख लीजिए बेटा. 8th क्वेश्चन में आपको बताना है 324 किसका स्क्वेयर है. अगर आपको 1 से 20 तक मैंने स्क्वेयर्स लर्न करने के लिए दिए थे, 18 का जो स्क्वायर है वो 324 होता है, तो आंसर आ जाएगा 18, ए ऑप्शन. अदरवाइज आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, ऐसे 3 1 जा 3 3 8 जा 24, देन 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 3 जा. तो जो भी दो दो के पेयर्स बनेंगे, 3 into 3 बना एक पेयर, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी 3. ऐसे ही 2 2 का पूरा पेयर मिला, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी. फिर 3 3 का पेयर मिला, एक वैल्यू बाहर. 3 2 जा 6, 6 3 जा 18. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है आपका. सेकंड मेथड आपका ट्रिक यूज कर सकते हो आप, जो मैंने आपको कल बताया था. ट्रिक के लिए बेटा आपको लेके 1 से लेके 10 तक के आने चाहिए पहले से. सपोज कीजिए ये है, देखिए अभी हमने 1444 का निकाला, कितना आया था? 1444 का आया था 38, है ना? इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो वैल्यू आ जाएगी 38 और 196 का आ जाएगा 14. तो 38 को अंदर रखेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 2 जा 28, यहाँ पे 8 में से 8 गई 0, 3 में से 2 गया 1, ना जाने का 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे. 14 7 जा कितना होता है 98, बचा 2, ऊपर से फिर 0 उतारेंगे. 14 1 जा 14, तो 2.71 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 का 2.71. चलिए आज हमें 11 से कंटिन्यू करना है. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 289. 289 किसका होता है बेटा? 17 का. 17 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 289 आता है. हाँ जी हितेश. मैम आप स्क्वायर कब सुनोगे? अभी बेटा बस क्वेश्चंस करवा लो 2 4, फिर उसके बाद सुनती हूँ.
ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 35721। 35721। ठीक है, हाँ जी रक्षित मैम, आई कैन टेल दिस क्वेश्चन। यस मैम, हम 372 का पहले तो मैम हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। तो मैम एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन या ट्रिक, मैम मेरे को इस वाले ऐसे ऐसे भी ट्रिक्स नहीं आती, तो मैम मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेता हूँ। ट्रिक क्यों नहीं आती बेटा? वन किसके लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर के लास्ट में वन आता है? वन से लेके टेन तक के लॉन होने चाहिए, आपको बताया था ना मैंने। मैम एक तो नाइन के लास्ट में आता है वन। वन का स्क्वायर वन होता है और नाइन का स्क्वायर 81 होता है, दोनों के लास्ट में वन आ रहा है ना। यस मैम। तो या तो वन आ सकता है लास्ट में या नाइन। ठीक है, यस मैम। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम करेंगे लास्ट के टू डिजिट्स को कट। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। सॉरी बेटा, लास्ट की टू डिजिट्स को हम कट करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 357। अब 357 बच गया, ये किसके स्क्वायर के पास आता है? मैम 19 के। मैम 19 का स्क्वायर 361 होता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा, हमें छोटी वैल्यू देखनी है। मैम 18, मैम 200, मैम 324 अभी निकाला था हमने 18 का। ठीक है, पक्का पता चल गया अब आंसर कैसे आएगा? ठीक है, यस मैम। अगर यूनिट डिजिट 1 रहती है तो आंसर बनेगा 181, अगर यूनिट डिजिट 9 होगी तो आंसर बनेगा 189। क्लियर? इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता, बस ये दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए। अब इसमें से देखो 181 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 189। मैम मुझे ये पूछना कि जैसे 181 भी और 189 भी, तो क्या करना है आगे? तो बेटा हम क्या करते हैं, तो हम 18 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, ये जो 18 है ना, इसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये बड़े वाला आंसर होता है, अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो छोटे वाला आंसर होता है। मैम जैसे 19 है तो 19 को हम 20 से करेंगे ना? 19 यहाँ पे होता तो 20 से करते, अब 18 है तो 18 को 19 से करेंगे। okay. प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी मेथड है ये। मैम मेरा लीव हो गया था, तो मैम आप मुझे फिर से समझा दो। क्या हुआ बेटा? मैम मेरा लीव हो गया था। ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मुझे ये देखना है किसके स्क्वायर के लास्ट में वन आता है। वन का स्क्वायर वन से एंड होता है, नाइन का स्क्वायर 81, दोनों के लास्ट में वन आ रहा है, और किसके लास्ट में वन आता है? वन से लेके टेन तक चेक करना होता बस। ठीक है, टू का स्क्वायर 4, थ्री का 9, किसी में भी वन नहीं आएगा लास्ट में, सिर्फ वन और नाइन में आता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इधर इट कैन बी ना वन, इट कैन बी नाइन, दोनों में से एक हो सकती है, या तो वन हो सकती है या नाइन हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स ये वाला तो हमारा ऑप्शन ही गलत है, इसकी तो यूनिट डिजिट 2 है, ये वाला तो हो नहीं सकता, डी तो कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए बेटा 200 से ऊपर वैल्यू जा रही है, 200 का स्क्वायर पता क्या होता है? 40,000। क्या हमारी वैल्यू 40,000 से बड़ी है? 40,000 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, नहीं ना, ये तो छोटी है, ये भी गलत। 981, इसका आंसर आएगा 81,000 के आसपास। क्या मेरा 81,000 है यहाँ पे? नो मैम।
नहीं, अब वैल्यू आ रही है 190 से थोड़ी सी कम। 190 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, तो मेरी वैल्यू 189 से थोड़ी सी तो छोटी है, तो आंसर 361 से थोड़ा छोटा आएगा, तो मतलब ये आंसर आएगा 189। ठीक है, ये जो मैंने अब मेथड यूज करा, ये मेथड था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम ऑप्शंस की हेल्प से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, मैंने सॉल्व नहीं किया स्क्वायर, ना मैंने कोई ट्रिक लगाई, बस मैं ऐसे ही आंसर तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है लास्ट में 189 आना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। ये आएगा 81,000 के आसपास, एक अंदाजा लगाया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये आएगा 40,000 से भी अबाउट, 60,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि 250 का होता है हमारा 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो 60,000 के आसपास आएगा, या 58 के आसपास। ठीक है, चलिए हैंड ओवर कर लीजिए बेटा जीशु। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यतिन बताना चाहोगे? राइशा, नवरूप कौर, आप बताइए बेटा। Find the sum of least number and greatest number found by using digits 6, 4, 8, 3. मैम, इसमें हमें लीस्ट नंबर का सम और ग्रेटेस्ट नंबर का सम निकालना। मैम, पहले हम लोग इसका निकालेंगे, उसके बाद माइनस करते हैं। सम निकालना बेटा, माइनस क्यों करेंगे? ऐड करेंगे ना? यस मैम। चलिए बताइए, पहले लीस्ट नंबर क्या बना सकते हैं हम इससे? मैम 3,468. ग्रेटेस्ट नंबर मैम 8,643. अब आपको दोनों का क्या निकालना है? सम। यस मैम। करेंगे इनको। यस मैम। ऐड करो मैम। 8 + 3 = 11. कैरी वन मैम 6 मैम 7 + मैम 11. 4 + 1 = 5. 5 + 6 = 11. यस मैम। कैरी वन 3 + 1 = 4. 4 + 8 12. हर्ष बेटा, हर्ष देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसके ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 12,101 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इसके स्टेटमेंट की। अगर ये स्टेटमेंट रहेगी तो आंसर आएगा 12,111. ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए। अंडर रूट 576 = x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैम, इसमें 576 का स्क्वायर निकालेंगे जो 24 होता है। हाँ जी। आंसर इज 24, ऑप्शन बी। देखिए बेटा, उन्होंने बोला है रूट 576 जो है वो x के इक्वल है, तो हम इसका रूट निकाल लेंगे। इसका रूट होता है हमारा 24। देखिए 25 का हमारा 625 होता है, 625 से थोड़ी सी छोटी है वैल्यू, और लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 किसके आता है? या तो 4 के लास्ट में आता है या 6 के लास्ट में आता है ना, तो 26 तो बेटा 6025 से बड़ा हो जाएगा, है ना, और 36 भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये नियर बाय है वैल्यू, 25 के आसपास है, तो 24 आंसर आ जाएगा।
अगर किसी को नहीं भी निकालने आते ना तो आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो निकल जाएंगे आपके। देखो 30 हमारा होता है 30 का स्क्वायर 900, तो 900 से भी अबव वैल्यू तो नहीं है ना हमारी, ये गलत। ऐसे ही हमने 25 का किया, 25 के लिए तो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, 2 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3 या 6, 25, तो हमारी वैल्यू 625 से अबव तो नहीं है ना, 25 से अबव होगी तभी तो 26 आएगा आंसर। ऐसे ही 24, 25 के आसपास पड़ता है, इसका आंसर आ सकता है 576। और 16 का तो सबको लर्न होना चाहिए क्योंकि मैंने 20 तक बोले थे लर्न करने हैं, इसका होता है 256। ठीक है, चलिए गुड बेटा विज्ञान। अग्नि मुखर्जी आपने क्या कहा? मैंने बोला 576 किसका स्क्वायर होता है। ट्रिक वाले मेथड से लगा सकते हो या प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। देखो अगर ट्रिक की हेल्प से करते हैं ना तो 576 है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, किसके लास्ट में 6 आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों के लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारी यूनिट डिजिट या तो 4 रहेगी या 6 रहेगी, कंफर्म। अब वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, यू हैव टू कट आउट द लास्ट टू डिजिट्स। मैंने बताया था आपको कि लास्ट के टू डिजिट्स आपको कट करनी होती है, कर दी कट। एक रफ पेपर पे ना 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख लेना पास, तभी क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब मुझे 5 चेक करना है, 5 कहाँ पे मिलेगा मुझे, अगर मैं 3 पिक करती हूँ तो 3 का स्क्वायर तो 9 है, 9 तो बड़ा हो जाएगा 5 से। छोटी वैल्यू को पिक करना है हमेशा, स्मॉलर वैल्यू को, तो 2 पिक करेंगे। अब मेरे को यूनिट डिजिट तो कंफर्म नहीं है लेकिन टेंथ प्लेस कंफर्म है, 2 आएगा। ठीक है, मतलब मेरा आंसर या तो 24 या 26, बाकी तो गलत हो गए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा 6 आता है। अगर 5 से बड़ी वैल्यू आती है तो बड़ा नंबर पिक करते हैं, 5 से छोटी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करके तो छोटा नंबर पिक करते हैं। अब देखो मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 5 से बड़ा है, बड़ा है तो बड़ी वैल्यू को पिक करेंगे, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मानो मल्टीप्लाई करके 2 वन या 2 आता तो छोटी वैल्यू को पिक करते, फिर 24 आता आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।